हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। तो आज की रेमेडी है छोटे बच्चों के लिए। जैसे जैसे मौसम बदलता जाता है, सर्दी खांसी और जुकाम जैसी समस्याएं होने लगती है। इसके चलते गले में दर्द, फ्लू जैसी कई दिक्कतें बढ़ जाती है। हालांकि सर्दी जुकाम किसी भी मौसम में हो, लेकिन छोटी छोटी समस्याओं के लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि इनका इलाज हमारे किचन में ही मौजूद है। सर्दी खांसी और जुकाम होने पर आज भी कई भारतीय किचन में ऐसे इंग्रेडिएंट मौजूद है जिससे कि हम आसानी से अपने घर में ही रेमेडी बना के सर्दी खांसी जुकाम को क्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 5 से 6 कलियाँ लहसुन के लिए, और साथ ही साथ लिया है मैंने अजवाइन। 1 टेबल स्पून भर के हमें अजवाइन लेना है, और उसमें लेना है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल क्या होता है? सरसों का तेल। ऐसे ही उसकी गर्म तासीर होती है, तो इस वजह से ये सर्दी खांसी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर मैंने ये वाला मस्टर्ड ऑयल लिया है, कच्ची धानी वाला, और इसका 2 टेबल स्पून भर के ऑयल लेंगे। सरसों के तेल को बहुत ही पौष्टिक माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। इसकी तासीर गर्म होने के कारण सर्दियों में अत्यंत लाभदायक होता है। सरसों के तेल की मालिश करने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है, और साथ ही साथ इसमें जो ब्लड प्रेशर को भी बेहतर बनाता है, और यह शरीर में गर्माहट पैदा करने के लिए भी मददगार होता है। तो यहाँ पर सरसों का तेल हमने ले लिया है, 2 बड़े टेबल स्पून भर के ले लिया है, और फिर उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद जो हमने लहसुन काट के रखा है उसको ऐड कर देंगे। लहसुन को अच्छे से कुक होने देना है। उसको जब तक कुक होने देंगे तब तक कि वो पूरा एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम उसमें ऐड कर देंगे अजवाइन। अजवाइन को भी कम से कम 2 मिनट तक कुक होने देना है, उसके बाद हम ऑयल को नीचे उतार लेंगे। उतारने के बाद इसको थोड़ी देर तक ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद उसको छान लेंगे, और छानने के बाद थोड़ा हल्का गुनगुना रहेगा, उसी टाइम हमें बच्चों की मसाज करने के लिए लेना है इसको। और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ ऑयल है उसको हम एक कंटेनर में भर के रख देंगे, और बच्चे की मसाज एकदम पूरे अच्छे से चेस्ट में करना है। बच्चों के पैर के तलवों में भी अच्छे से मसाज करना है, और मालिश करने के बाद बच्चे को गर्म कपड़े पहनाना है। गर्म कपड़े पहनाने के बाद उसको हवा में कम से कम 1 घंटे तक तो कहीं भी नहीं छोड़ना है, मतलब एसी वगैरह में नहीं उसको सोने देना है। तो 1 घंटे के बाद उसको हम हल्के गुनगुने पानी से उसको स्पंजिंग कर सकते हैं। इससे बच्चे का जल्दी से सर्दी खांसी क्योर हो जाएगा, और बच्चों को थोड़ा सा राहत मिलेगा। तो इस तरह से एक रेमेडी ये वाला हमारा तैयार हो जाता है। दूसरा रेमेडी ये आता है कि गुनगुना पानी। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसको गुनगुना पानी हम दे सकते हैं। सर्दी खांसी जुकाम होने पर गुनगुना पानी पिए। दरअसल क्या करता है गुनगुना पानी? आम तौर पर सर्दी खांसी और गले में जो खराश होती है उसको लड़ने में मदद करता है। गुनगुना पानी गले में सूजन को भी कम करता है, और शरीर में बहुत सारे जो इन्फेक्शन होते हैं उन इन्फेक्शन को बलगम को बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से गुनगुने पानी से भी सर्दी खांसी को क्योर किया जा सकता है। फिर आता है हल्दी वाला मिल्क। हल्दी वाला मिल्क भी हम बच्चों को देते हैं, मतलब अगर बच्चा बड़ा है 1 से 10 साल के बीच में है तो हल्दी वाला मिल्क भी देंगे उनको। तो उससे भी वो क्या होगा कि जो सर्दी खांसी है उनकी कम हो जाएगी और उनको राहत मिलने लगेगी। तो इस तरह से और भी बहुत सारी रेमेडीज है जो हमारे किचन में इन्ग्रीडियंट के थ्रू हम बना सकते हैं, और बच्चों की सर्दी खांसी को हम घर पर ही क्योर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब अगर 5-6 दिन तक भी सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रही हो तो इसी कंडीशन में हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर हल्की फुल्की सर्दी खांसी है तो हम घर पे आसानी से उसको क्योर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखो हमारा मसाज ऑयल एकदम रेडी हो गया है बच्चों के लिए। एकदम छोटे बच्चे जो 1 महीने से लेकर के 1 साल के बीच के बच्चे हैं उनके लिए ये वाली रेमेडी है, और ये आसानी से काम करती है। एक्चुअली मुझे मेरे 2 बेबी है तो दोनों बेबी को मैं ये अप्लाई करती हूँ, इसलिए मुझे पता चल गया है कि ये रेमेडी यूज़फुल रहती है। और आपके पास भी अगर छोटी बेबी है तो आप आराम से ये वाला रेमेडी यूज़ कर सकती हो, और छोटे बच्चों को आसानी से ये हेल्प करेगा। तो इस तरह से आप भी ये वाला बनाएं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो इस तरह से मेरा बचा हुआ ऑयल मैंने एक कंटेनर में भर के रख लिया है। अब इसको मैं क्या करूँगी, स्टोर कर दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। जब भी मुझे उसको मसाज करना रहेगा मैं फिर से इसको निकाल के हल्का सा गर्म कर लूँगी, और उसके बाद मैं फिर से मसाज कर दूँगी। तो इस तरह से ऑयल बना के आप भी स्टोर करके रख सकते हो। फिर उसके बाद आती है हमारी सेकेंड रेमेडी। सेकेंड रेमेडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है
10 से 12 तुलसी की पत्तियां ली है, साथ में लिया है 1 इंच भर के अदरक का टुकड़ा लिया है और लेंगे हनी शहद लेंगे। तो हमें क्या करना है, तुलसी की पत्तियों को अच्छे से धो लेना है, अदरक को भी अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर या तो आप अगर इसको कूटना चाह जो हमारा ओखली आता है ना, अगर ओखली में कूट लेते हैं तो उससे भी जूस निकल आएगा, और अगर आप इसको कद्दूकस करना चाहते हो तो कद्दूकस करने पे भी इसका जूस निकल आएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लिया है कद्दूकस करने के लिए किसनी, और यहाँ पर मैं तुलसी की पत्तियों को भी अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी और साथ ही साथ जो अदरक का टुकड़ा है उसको भी अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। और कद्दूकस करने के बाद उसको अच्छे से हमें इसे निचोड़ना है ताकि उसका जूस अलग हो जाएगा पूरा, और जो वेस्ट है उसको हम अलग निकाल के रख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने कद्दूकस कर लिया है और सारा जूस निकल आया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें मिला देंगे हनी। अगर आप बड़े बच्चों को दे रहे हैं तो हनी की मात्रा कम रखिए, लेकिन अगर छोटे बच्चों को जैसे 1 से 2 साल 3 साल के बच्चे को दे रहे हैं तो उसमें हनी की मात्रा बढ़ा देना चाहिए ताकि बच्चे को थोड़ा सा मीठा लगेगा तो वो आसानी से खा सकता है। अगर हम उसमें हनी कम रखेंगे तो थोड़ा सा स्पाइसी लगता है, अदरक और तुलसी होता है ना उसका जूस थोड़ा सा स्पाइसी लगेगा तो बच्चे पी नहीं पाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा शहद डाल के देना है बच्चों को। अगर हम बड़ों के लिए दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी शहद का कम कर दो। तो इस तरह से ये वाली रेमेडी भी बहुत ही यूज़फुल होती है और ये रेमेडी मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ और मुझे तो बहुत एकदम फ़ायदा करती है। तो ये थी 2 रेमेडीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और अगर बड़े लोगों को सर्दी होती है तो उसके लिए एक और रेमेडी है जो कि बहुत नॉर्मल रेमेडी है जो अक्सर हम घर में यूज़ करते हैं, मतलब अदरक वाली चाय। औषधीय गुणों से भरपूर अदरक की चाय आज भी कई घरों में पसंद की जाती है। जिनके दिन की शुरुआत अदरक की चाय की चुस्कियों से होती है, ये चाय पीने में जितनी स्वादिष्ट होती है उतनी सेहत के लिए फायदेमंद भी होती है। इसके सेवन से आप सर्दी खांसी व जुकाम जैसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसके कई फायदे हैं, जैसे इस चाय के सेवन से आप अपनी बढ़ती हुई नाक पर काबू पा सकते हैं, साथ ही साथ आप जो सांस लेने की प्रॉब्लम है उसको भी कम कर सकते हो। जैसे सांस कफ ज़्यादा होता है तो सांस भी लेते नहीं बनती ना, तो इस वजह से इस चाय से कफ वगैरह सब कुछ दूर हो जाता है और हम अच्छे से सांस ले पाते हैं। तो आप ये रेमेडी अपने घर में अप्लाई कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाला वीडियो आप लोगों को जरूर मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।